के बीच का राज से प्रकाशित होता है। जब गुरुदेव के द्वारा हमें नाम मिलता है और हम नाम जब शुरू करते हैं तो नाम जब ही हमारे हृदय के सारे विषयाकर्षण को विकारों को नष्ट करता है। कहने को तो एक शब्द हो गया ये, जैसे पूज्य बाबा ने कहा कि कृष्ण नाम का जब हम जप करते हैं तो कृष्ण नाम साधक को योग्य बना देता है प्रेम के, प्रेम के योग्य नाम बनाता है। कृष्ण नाम ही कृष्ण है। तो जब हम नाम जप करते हैं तो प्रेम तक पहुंचने की यात्रा है। कृष्ण नाम और कृष्ण प्रेम, वही प्रेम रूप, वही रूप होता है, इसके बीच की जो यात्रा है वो समझना होगा। जब उपासक नाम जब अधिक से अधिक करता है तो उसका बलवान मन जो विषयी है वो उसे नाम से विलग करना चाहता है, वो उसकी जो हृदय में परम शीतलता प्रदान करने वाला गुरुदेव प्रदत्त नाम है उसे दूर करना चाहता है। तो इतनी जलन प्रकट होती है, ऐसा विषय आकर्षण लगता है कि जब नाम जप नहीं कर रहे थे तब तो अच्छा था, अब जब से नाम जप शुरू किया तब इससे भारी प्रतिकूलता व्यवहार में आंतरिक ये आना प्रारंभ हो रहा है। लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, हमारी कोई बात नहीं मानता है, अनुकूलता नहीं मिलती है, कई तरह के व्यवधान आपको दिखाई दे सकते हैं। ये अनुभव की बात करें, वहां से और प्रेम तक के बीच की यात्रा। अभी 42 लीला में पढ़ रहे थे कि भजनी ऐसो चाहिए जैसे सूर रनमाए, खंड खंड होए जाए तन फिर के चितवत नाए। नाम जप करने वाला उपासक ऐसा दृढ़ निष्ठा वाला चाहिए कि जय शरीर खंड खंड हो जाए, पीछे लौट के नहीं देखना। जैसे बलवान योद्धा युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करना ही उसका लक्ष्य होता है और वो उसी प्रयास में प्राण त्याग देता है, पर भागता नहीं, लौटता नहीं, पीछे कदम नहीं डालता। भजनी ऐसो चाहिए जैसे सूर रन माए, ऐसा ही हमको दृढ़ निष्ठ होना पड़ेगा। अंदर से हमें विकार परेशान करेंगे और बाहर से व्यवहार प्रतिकूल होगा, विश्वास पूर्वक चलना होगा, निश्चित व्यवहार प्रतिकूल होगा। जैसे आप भजन बढ़ाओगे वैसे ही आपको व्यवहार की प्रतिकूलता मिलेगी, क्योंकि व्यवहार सत्य वस्तु नहीं है और आपने उसे सत्य मान रखा है। तो उस भाव को नष्ट करने के लिए जो आपने व्यवहार को सत्य मान लिया है, अब वो नाम आपको असलियत दिखाएगा। तो जब उसमें दुखद बुद्धि होगी, जब उसमें ये बुद्धि होगी कि इसके द्वारा हमें अशांति प्राप्त होती है, तो आप उस विषय से उदासीन हो जाएंगे, आपके हृदय में संसार के प्रति त्याग का भाव प्रकट होगा। पर हम समझ ना पाने के कारण ऐसा सोचने लगते हैं कि जब से हम शरणागत हुए, जब से हम भजन मार्ग में लगे, जब से नाम जप शुरू किया तो ये हमें प्राप्त हो रहा है प्रतिकूलता। जो उपासक गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कटु वचन बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, भूख प्यास नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो निरंतर भजन नहीं कर सकता। इसीलिए गीता में और सेवक वाणी में सेवक जी कह रहे, शत्रु मित्र समझानि, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ हानि, ये जो कृपा हरिवंश की। गीता में भगवान कह रहे, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास,
तास्तितिक्षस्व भारत, तुम्हें गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, प्रतिकूलता मिल रही है, अनुकूलता मिल रही है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, तुम्हें दोनों में समान रहना है, सहना है। अगर बढ़िया शीतल जगह में बैठे तो नाम चल रहा है, अगर बहुत गर्मी है तो नाम चल रहा है, नाम नहीं छूटना चाहिए। कोई स्तुति कर रहा है, आप बड़े भगत हैं, ऐसा ऐसा, तो नाम चल रहा है। कोई निंदा कर रहा है तो नाम चल रहा है। हम निंदा के प्रति प्रतिकूल भाव करके जलन में उसका चिंतन न कर बैठे, नाम छूट जाएगा। कोई प्रणाम नमस्कार करके स्तुति कर रहा है तो अनुकूल भाव, शीतल भाव मानकर हम उसका चिंतन न कर बैठे, बड़ा ये सूक्ष्म मार्ग है। गर्मी, सर्दी, प्रतिकूलता, अनुकूलता, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, इसको अपने को बराबर समझना है। कब समझोगे? जब नाम में आपकी आसक्ति होगी, नाम न छूटने पावे तो सब बराबर हो जाएगा। प्रेम तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ही सुदृढ़ होना पड़ेगा, नहीं तो परास्त कर देगा ये विषय प्रपंच, ये संसार का जो विषम स्वरूप है, इसे झेल पाना बहुत कठिन होता है। लेकिन नाम का ऐसा प्रभाव कि जीत विषम संसार, कीर्ति जग बिस्तरे, बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरे, ये नाम प्रदान करता है। नाम आप में ऐसा विवेक बल दे देता है कि इस विषम संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। और क्या होता है, बोले उससे संतों का सानिध्य नाम प्रदान करता है। नाम, नाम जापक महापुरुषों का संग प्रदान करता है। और नीति के धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस। जब प्रेम धर्मियों का संग होता है तो नित्य निरंतर उसके अंदर प्रेम का वर्धन होता है। इसलिए उपासक को इस उपदेश को हृदय में धारण करना चाहिए। बाबा जो कह रहे हैं कृष्ण नाम, और यहां अपने जो वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज की केली कुंज में वर्णन होता है, जो श्री कृष्ण जपते हैं उसका वर्णन होता है। देखो महापुरुष क्या करें, कृष्ण नाम साक्षात कृष्ण स्वरूप है, वो कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। और यहां क्या है कि श्री कृष्ण स्वयं जिस नाम का उच्चारण करते हैं, अश्रु प्रवाह और नामांकित यंत्र को विराजमान करके आराधना करते हैं, जो श्री कृष्ण को अधीन करने वाला नाम है राधा, जो राधा नाम है वही राधा रूप है, वही राधा प्रेम है, निरंतर नाम। नाम जापक को एक बार मरना होता है, अपने आप को नाम के पूर्ण अधीन करना होता है। नाम यदि आप विश्वास पूर्वक जप रहे, कीर्तन कर रहे, तो आपके हृदय का परिवर्तन हो जाए तो बहुत ही सहज बात है। जो आपकी समीपता स्वीकार कर लेगा उसका परिवर्तन, नाम में बड़ी सामर्थ्य है। देखो श्री हरिदास जो महाप्रभु चैतन्य देव जी के परिकर के नाम कीर्तन करते, एक वैश्या किसी धनी मानी पुरुष के साथ जा रही थी, तो धनी मानी पुरुष ने देखा, बोले देखो ये तो वैराग्यवान कैसे नाम जप कर रहे हैं। तो वैश्या ने कहा हमारी जैसी इनको मिली नहीं होंगी ना, इसीलिए नाम जाप कर रहे। तो उस धनी ने कहा तुम जितना कहोगे हम तुम्हें धन देंगे, तुम इसे नाम से अलग कर दो, ये तो हमारी सहज बात है। उसने श्रृंगार किया, नवीन अवस्था की तरुणी वैश्या थी, अब वैश्या आई थी उसको कोई शर्म लिहाज तो थी नहीं, महाभागवत के समीप उनको पतित करने की बात सोच के, जो पतित पावन नाम का निरंतर रटन करते हैं, कैसे उनको कोई पतित कर सकता है, कदापि नहीं। श्रृंगार करके गई और कहा हमें आपसे बात करनी, नाम लेते हैं, बैठ जाओ।
पूरा दिन बैठी रही, समय नहीं। वो तो लाखों नाम कीर्तन करते थे। दूसरे दिन फिर गई, तीसरे दिन फिर गई, तीसरे दिन फिर गई। जो भावना लेके गई थी तीसरे दिन, वो फिर गई, रो पड़ी। अरे मैं ऐसे महापुरुष को पतित करने की बात सोच रही हूं जो रात दिन ऐसे नाम रोने लगी। देखो कैसा प्रभाव। और साष्टांग लेट गई चंदा। जब महाभागवत हरिदास जी ने देखा कि नाम भगवान ने कृपा कर दी,